तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैं आ चुका हूँ ब्रॉल स्टार की बिल्कुल ही नई वीडियो के साथ। तो यह वीडियो मैं काफ़ी समय के बाद बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं यूज़ करने वाला हूँ एगर का, जो सबसे नया ब्रॉलर आया है इस गेम में। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ब्रॉल स्टार की वीडियोज़ इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो अभी ओपोनेंट इस मैच में पैम यूज़ कर रहा है, तो पैम से मुझे ज़्यादा इतना खतरा नहीं होने वाला है। तो मैं जो पावर क्यूब्स है वो मैं अभी ले लेता हूँ। तो दो पावर क्यूब्स मैंने ले लिए हैं, तो अभी तीसरा पावर क्यूब्स ले लेता हूँ अभी मैं। तो अभी मैं पैम की तरफ जाता हूँ ताकि मैं पैम को इस गेम से आउट कर सकूँ। और पैम और एगर के बीच ऑलरेडी फाइट हो चुकी है, तो मैं इस फाइट का पूरा फ़ायदा उठाने वाला हूँ अभी। तो एगर और पैम को इस गेम से आउट कर चुका हूँ। बेसिकली एगर ने पहले ओपोनेंट के एगर ने पहले पैम को आउट किया था, फिर मैंने अपने एगर से ओपोनेंट के एगर को डैमेज दी थी। तो अभी मैंने एनर्जी ड्रिंक का फ़ायदा ले लिया है और मैं एक और एगर को इस गेम से आउट कर दूंगा। तो अभी तक इस गेम में चार ब्रॉलर बचे हुए हैं। अभी मेरा सामना एम्स के साथ होने वाला है, तो एम्स से मुझे ज़्यादा खतरा तो नहीं होने वाला है। तो मैं अपने सुपर का इस्तेमाल करके एम्स पर अटैक करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो एम्स के पास अभी पावर ड्रिंक है, तो मैं इसके ज़्यादा पास नहीं जाऊंगा। लेकिन एक और एम्स उसके पास चला गया, तो मैं भी सुपर का इस्तेमाल करके उसके पास जाना चाहता हूं, लेकिन वो भाग गया। तो अभी मेरे पास एनर्जी ड्रिंक आने वाली है, तो मैं इस एनर्जी ड्रिंक को जब मेरा सुपर हो जाएगा कम्प्लीट, उसके बाद मैं इसको ले लूँगा। तब तक मैं इसके आसपास ही रहता हूँ। ओपोनेंट का भी एक एग्री है, तो दोनों के बीच काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। तो मेरी हेल्थ कम होने की वजह से मेरा ब्रॉलर हार चुका है, तो काफ़ी अच्छा ब्रॉलर है ये वाला एगर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। इस चैनल पर और भी कई सारी वीडियोज़ आती रहेंगी, तब तक के लिए आप राजपॉल गेमर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।